Hello friends, good day to all. Once again I am here to discussing the chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant of class 12th biology. This is my fourth lecture and today I am discussing the chapter 2. So let's start. Flower. Okay, tell me, what do you mean by flower? Is it stem modification or root modification or leaf modification? So you have to aware about this, that flower is what? Flower is a modification of stem. It is a modification of shoot actually. Shoot means leaves bearing, stem is called shoot, so it is modification of shoot. And flower consists four valves. Two are accessory valve. First valve of sepal, second is petal, and the third one is of stamen, and fourth one is of carpels. So outer two are accessory valve and inner two are essential valve. So let's discuss about the reproductive structure. The first reproductive structure is stamen. Flower. So these are the point jo hum discuss kar chuke hain. Flower is modified shoot developed from the floral primordia. Primordia develops first in the floral bud, then into the flower, and it consists two essential valves. One is the androecium, that is the male reproductive structure, and the second one is gynoecium, that is female reproductive structure. And we aware about this, that the individual part of androecium. Androecium is the name of valve, but the individual part of unit of the androecium is what? Stamen. एक फ्लोवर के जो पांच स्टेमन होंगे तो पांचों स्टेमन को कंबाइंडली एंड्रोशियम कहेंगे, एक वॉल बनेगी, जबकि इंडिविजुअल पार्ट क्या कहलाएगा? स्टेमन. उसी तरीके से गाइनोशियम और पिस्टिल वाले पार्ट के इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहेंगे? कार्पल. सो आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि एंड्रोशियम की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसका नाम क्या है? स्टेमन है. और गाइनोशियम की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसका नाम क्या है? कार्पल है. नेक्स्ट कंटेंट, stamen, that is the male reproductive part. It is the unit of the androecium. Male reproductive unit consists of two parts. जैसे हमें clear है कि stamen के अंदर mainly two part होते हैं. The lower part is called filament. Lower part is called filament and upper part is called anther. Upper part is called anther. फिलामेंट एंटर. फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस ऑफ पीटर. फिलामेंट किससे अटैच होता है? थैलेमस. फ्लावर के थैलेमस से अटैच होता है. तो स्टेमन के अंदर मेनली कितने पार्ट होते हैं? दो होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. एक्चुअली देर आर फोर वॉल लेयर ऑफ एंथर. द आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, एंड फोर्थ वन इज स्टैपिटम. These are the four layer of what? Four layer of anther. तो ये ध्यान रखिए, कभी सीबीएसई के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है कि एंथर वॉल की लेयर का नाम लिखिए. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, तो आपको चारों लेयर्स के नाम याद होने चाहिए. और इसके अंदर एंथर वॉल के अंदर जो ये कंप्लीट प्रेजेंट है इसको क्या कहेंगे? इसको पोलन सैक कहेंगे. और पोलन सैक के अंदर इसको पोलन सैक कहेंगे. और पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, यानी कि इसके अंदर स्पोरो, पहले जो शुरुआत में जो टिश्यूज रहेगा उसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे, और उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा. मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. माइक्रोस्पोरियम, अभी जो डिस्कस किया था आपसे कि जो पोलन सैक होता है, पोलन सैक के अंदर जो रहेगा वो माइक्रोस्पोरियम वर्ड यूज करेंगे. एंथर के लिए हम माइक्रोस्पोरियम वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली पोलन सैक के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो स्टैमिन के अंदर जो बात हमने बात की थी वही फिलामेंट और उसके बारे में स्ट्रक्चर है. लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात हुआ है वो ये वाली पॉइंट है कि अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, इट्स अ प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू द थैलेमस ऑफ और पेटल्स. तो इसको एपी पेटल्स कहते हैं, जो आपने 11th में पढ़ चुके हो, आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. टिपिकल एंथर इज डाइथिकस. एक एंथर के अंदर जो लोब होती है वो कितनी होती है? एक एंथर के अंदर दो लोब होती है, इसलिए डाइथिकस कहते हैं.
और माइक्रोस्पोरिंजिया जो इसके अंदर होंगे वो फोर होंगे। माइक्रोस्पोरिंजिया कितने होंगे? फोर होंगे, जिसे आप देख सकते हो वन टू थ्री और फोर। माइक्रोस्पोरिंजिया कितने हैं? फोर। लेकिन इसकी लॉब कितनी है? ये एक लॉब और ये सेकेंड लॉब, यानी कि लॉब के अकॉर्डिंगली इसको क्या कहा जाएगा? डाइथिकस। एंथर के लॉग के अकॉर्डिंगली इसको क्या नाम देंगे? डाइथिकस नाम देंगे। लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरिंजिया, जिनको पोलन सेक नाम दिया था हमने, पोलन सेक के अकॉर्डिंगली इनको क्या नाम देंगे? टेट्रास्पोरिंजिएट। क्यों टेट्रास्पोरिंजिएट? क्योंकि इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरिंजिया प्रेजेंट है? इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरिंजिया प्रेजेंट है। तो एक एंथर के अंदर लॉब कितनी होती है? दो। उसके आधार पे नाम हो गया डाइथिकस, और चार माइक्रोस्पोरिंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके अंदर डिस्कस किया, चार लेयर का नाम बताया हुआ है। चार लेयर में से एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है, और आउटरमोस्ट लेयर के बाद में जो सेकेंड लेयर होती है एंडोथीशियम, जो डेहिसेंस में हेल्प करती है, टेपिटम न्यूट्रिशनल लेयर होती है ना, और मिडल लेयर कुछ समय तक रहती है, फिर बाद में डीजनरेट हो जाती है। तो चारों लेयर का आपको क्लियर होना चाहिए। एपिडर्मिस इज द आउटमोस्ट लेयर, सेकेंड एंडोथीशियम लेयर इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिलीज वाटर टू हेल्प द ब्रेक डाउन द एंथर वॉल, जिससे उसके अंदर बनने वाले माइक्रोस्पोर बाहर आके नीचे गिरते हैं, डिस्पर्स होते हैं। और थर्ड लेयर मिडल लेयर है, वो सपोर्टिव होती है, कुछ समय बाद डीजनरेट हो जाती है। और टेपिटम न्यूट्रिशनल लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लियेटेड होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, यानी कि उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से चार लेयर का नाम और चारों लेयर के फंक्शन को आपको याद करना है। और उसके अंदर वाले कंटेंट को क्या कहेंगे? पोलन सेक या माइक्रोस्पोरिंजिया कहेंगे। और माइक्रोस्पोरिंजिया में पाए जाने वाले होमोजीनस टिश्यू को क्या नाम देंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरिंजिया के अंदर जो होमोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। अब वही कहानी आ गई कि माइक्रोस्पोरिंजिया में जो स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे उनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर पीएमसी बनाएंगे। कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? पीएमसी बनाएगी। पीएमसी का मीनिंग है पोलन मदर सेल। पीएमसी का मीनिंग है पोलन मदर सेल। पहले वो पोलन मदर सेल बनाएगी, और पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? चार माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे है। इसके अंदर पीएमसी होता है, पोलन मदर सेल होता है जो स्पोरोजेनस टिश्यू से बनता है, और इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है, और मियोसिस डिवीजन से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चार माइक्रोस्पोर जो बनते हैं इस तरीके से, उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो बन रहा है, देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड चार बनेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। और मैच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर द स्पोर डिस, वही एंथर जब मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें से वाटर एंडोथीशियम लेयर से जब वाटर बाहर निकल जाती है तो वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये वहां बाहर गिर जाते हैं, डिस्पर्स जाते हैं आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ गिर जाते हैं, तो इसको डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर कहते हैं। ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। एक पीएमसी जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, या आप इसको पीएमसी भी कह सकते हो, पोलन मदर सेल भी कह सकते हो। और इसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से पहले दो सेल बनी, और दो सेल के बाद में सेकेंड मियोसिस हुआ, सेकेंड मियोसिस से चार सेल बनी। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपको ध्यान देना चाहिए कि मोनोकॉट के अंदर ये जो डिवीजन होते हैं ये सक्सेसिव होते हैं, यानी कि एक फर्स्ट डिवीजन होगा जैसे यहाँ पे बता रहा है, और उसके बाद में सेकेंड डिवीजन होगा, तो सक्सेसिव डिवीजन होगा, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर बनेगा। आइसोबाइलेटरल का मतलब आपको चारों सेल जो आपको है यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन डाइकॉट के अंदर जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आपको तीन सेल दिखाई देगी, और फोर्थ नंबर सेल जो होगी वो फोर्थ नंबर सेल आपको दिखाई नहीं देगी, वो फोर्थ नंबर सेल जो है वो पीछे की तरफ प्रोजेक्ट होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये किस में होता है? डाइकॉट में। वापस सुनिए,
चीजों को कि डाइकॉट के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, डाइकॉट के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, और टेट्रा मोनोकॉट में क्या होगा, मोनोकॉट के अंदर आइसोबाइलेट्रल बनेगा। तो ध्यान दीजिए इस चीज का कि डाइकॉट के अंदर जो प्रोसेस होता है वह क्या रहेगा, साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों डिवीजन साइमल्टेनियसली होंगे और उससे बनने वाला जो टेट्राड है उस टेट्राड का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, जो कि मोनोकॉट में सक्सेसिव होगा। जो बनने वाला टेट्राड है उसका नाम आइसोबाइलेट्रल होगा। ये पीएमटी और नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये लेक्चर आपके 12th क्लास के लिए और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर लेक्चर का इसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन वर्ड जो आता है वो मेल गेमिटोफाइट के लिए आता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चार माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, टेट्राड बन रहे हैं, वो चारों के चारों माइक्रोस्पोर पहले अलग होंगे और अलग होने के बाद में एक माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन में डेवलप होगा, मेल गेमिटोफाइट में डेवलप होगा। वो कैसे होगा डेवलप, इसका ध्यान रखना है आपको कि डेफिनेटली आपको पता है कि इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर आपको पहले उसके अंदर डिवीजन होंगे, डिवीजन होने के बाद में किस तरीके से वो आगे डिवीजन होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले पोलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन स्पेरिकल इन शेप होता है, दो लेयर होती है, आउटर लेयर को एग्जाइन कहते हैं, इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। एग्जाइन लेयर, एग्जाइन के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिनिन, उसी के कारण वो पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, एंजाइम, इनके लिए। तो ध्यान रहिए कि एग्जाइन के कारण, एग्जाइन में प्रेजेंट स्पोरोपोलिनिन केमिकल प्रेजेंट होता है, उसी के कारण पोलन ग्रेन सभी वक्त तक मिट्टी में प्रेजेंट होगा, फिर भी लिविंग रहेगा। वो अलग अलग वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि फॉसिलाइजेशन प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है, और फॉसिलाइजेशन प्रॉपर्टी आने का कारण मेन कौन है, स्पोरोपोलिनिन है, जिसके कारण वो जो पोलन ग्रेन है वो एसिडिक एनवायरमेंट में, टेम्परेचर में, एल्कली में भी अपने आप को विदस्टैंड कर सकता है। पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ पोर होते हैं, कुछ एपरेचर्स होते हैं जहां पर एग्जाइन नहीं होती, केवल इंटाइन होती है, उसको जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहिए कि जर्म पोर जो है वो डाइकॉट के अंदर दो या तीन हो सकता है, ट्राइकॉल्पेट हो सकता है, लेकिन मोनोकॉट के अंदर हमेशा एक ही जर्म पोर पाया जाएगा, जिस कंडीशन को मोनोकॉल्पेट कंडीशन कहेंगे। इंटाइन अंदर की लेयर होगी जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी पोलन ग्रेन में जो पोलन ट्यूब बनती है वो हमेशा किससे बनती है, इंटाइन से बनती है। तो ध्यान रहिए इस चीज का कि अगर पोलन ग्रेन कंप्लीटली एग्जाइन से सराउंड होगा तो उसके अंदर कभी भी पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, क्योंकि जर्म पोर का होना बहुत जरूरी है, जर्म पोर होगा तभी पोलन ट्यूब बन पाएगी। ये एक स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जिसके अंदर एग्जाइन दे रखा है, इंटाइन दे रखा है, और दो सेल आपको दिखाई दे रही है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जो किस तरीके से बनते हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो कंडीशन बता रखी है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, कि पोलन ग्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और उस फूड रिजर्व रहता है उसके अंदर, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। और मेन कंटेंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, नाउ न्यूक्लियस फ्रॉट इन वेजिटेटिव सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जनरेटिव सेल फ्रॉट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल के अंदर ही वापस डिविजन होकर दो मेल गैमेट बनते हैं। 60% स्पीसीज पोलन ग्रेन जो है वो टू सेल्ड स्टेज में एंथर से बाल डिस्पर्स हो जाते हैं और 40% में थ्री सेल में डिस्पर्स होते हैं। तो टू सेल में कब, जब जेनेटिव सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा तो टू सेल्ड स्टेज कहेंगे, और जब जेनेटिव सेल फिर से माइटोसिस डिवीजन करके थ्री सेल्ड स्टेज में आ जाएगा तो थ्री सेल्ड स्टेज कहेंगे। तो टू सेल्ड स्टेज, ये सीबीएसई 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 60% में कौन सी स्टेज में पोलन ग्रेन सैड होंगे, तो आंसर होगा टू सेल्ड स्टेज, और 40% में कौन से में होंगे, 40% में कौन सा स्टेज रहेगा, थ्री सेल्ड स्टेज। ये देखिए, ये इसमें आपको बिल्कुल क्लियर है डायग्रामेटिकली, ये वाला जो कंटेंट है, व्हाट इज दिस, दिस इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल डेवलप हो रहा है, न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, पहला असिमेट्रिकल स्पिंडल बन रहा है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है लेकिन अनइक्वल हो रहा है। क्लियर, सुन लीजिए अगेन कि जो असिमेट्रिकल स्पिंडल बनने का मतलब है, ये जो फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, ये फर्स्ट माइटोसिस अनइक्वल माइटोसिस हो रहा है, जिससे दो सेल बनेगी, एक बड़ी सेल बनेगी जिसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे और एक छोटी सेल बनेगी जिसको जनरेटिव सेल कहेंगे। सेकेंड
सेकेंड माइटोसिस इस न्यूक्लियस के अंदर होगा और न्यूक्लियस के अंदर वो इक्वल डिवीजन होगा और दो मेल गैमिट बनेंगे। तो वो टू सेल्ड और थ्री सेल्ड की स्टेज का कंडीशन ये आती है कि अगर ये टू सेल्ड स्टेज है तो 60% एंजियोस्पर्म में इस तरीके से होता है, और अगर इसमें माइटोसिस फिर से हुई तो वो थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन कहलाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है पोलन से रिलेटेड, जैसे पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन काफी समय तक अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिमेन वायबल दे आर इन लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। अलग अलग कंडीशन में होती है, जैसे राइस और वीट के अंदर देखें आप तो 30 मिनट तक होती है, और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी के अंदर बात करें तो ये मंथ की पोलन मंथ तक पोलन वायबिलिटी होती है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पोलन ग्रेन मेडिकल आस्पेक्ट। पोलन ग्रेन को आजकल ध्यान रहे कि ये सेवरल एलर्जी ब्रॉन्शियल एफेक्शंस प्रॉब्लम के अंदर जो है कुछ पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे अपन पार्थिनियम ग्रास ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो पोलन रेस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज करते हैं, एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है, जैसे ये नाम आपके देर के है, पार्थिनियम देर का है, ठीक है ना, जैसे इसको कैरेट ग्रास कहते हैं। ये पीएमटी में नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेट ग्रास का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्थिनियम जो होगा वो कैरेट ग्रास का नाम है। इसके अलावा दूसरे भी पोलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं, चिरापोडियम वगैरह है, और भी प्लांट स्पीसीज काफी रहेगी जिसमें पोलन ग्रेन की एलर्जी रहती है। अब पोलन ग्रेन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के अंदर बात करें तो ये कुछ सिरप में भी काम में लिया जाता है, कुछ टैबलेट में भी काम में लिया जाता है, ठीक है, ये टैबलेट और कुछ सिरप के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, और हॉर्सेस को रेस हॉर्स जो है एथलीट वगैरह जो है वो भी इसको एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में इसको रखते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको खाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके अलग से डिस्कस किए गए हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन। एडवांटेज क्या है पोलन ग्रेन के, जैसे अभी भी डिस्कस किया था कि फूड के फॉर्म में काम में लिया जा सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और रेस हॉर्स के अंदर ये काम आता है क्योंकि वो न्यूट्रिशनल के तौर पे इसको खाते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये एलर्जी कोच करते हैं, जैसे पार्थिनियम और बात किया था। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें। क्रायो प्रिजर्वेशन एक आर्टिफिशियल मेथड है पोलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने का, जो -196 डिग्री सेल्सियस पे और लिक्विड नाइट्रोजन के मीडियम में इसको किया जाता है। चलो नेक्स्ट कंटेंट करते हैं। तो ये आज हमने केवल पोलन ग्रेन, स्टैमिन, एड्रोशियम, एड्रोशियम के बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में हम गाइनोशियम पिस्टिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑल 4 वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरियम। चलिए आप बताइए, वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। कौन सी फोर लेयर है बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यस, फर्स्ट इज एपिथेलियम, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडल लेयर और फोर्थ एपिटम लेयर। वेरी गुड। नेम द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल सीन इन द सेंटर ऑफ माइ, कॉम्पैक्टली होमोजीनियस सेल जो कि पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। यस, योर आंसर इज राइट, स्पोरोजीनियस टिश्यू। व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज, पोलन ग्रेन की स्टडी को पेलियनोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखें कि पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, पेलियनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक ऑप्शन है, नेम द कॉमन डिजीज कॉज ड्यू टू द पोलन एलर्जी। व्हाट आर पोलन एलर्जी से कॉमन डिजीज क्या होता है, ब्रॉन्चियल डिसऑर्डर होते हैं, लंग डिसऑर्डर लिख सकते हैं, और पेलियनोवोरस वर्ड क्या है, तो आप ध्यान रखिए जैसे हर्बीवोरस होता है ना, कार्निवोरस होता है, फीड ऑन व्हाट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज आर फीड ऑन पोलन ग्रेन आर कॉल्ड पेलियनोवोरस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेलियनोवोरस, द ऑर्गेनिज्म विच आर फीड ऑन द पोलन ग्रेन आर कॉल्ड पेलियनोवोरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनर वॉल। इनर वॉल का केमिकल, क्योंकि इनर वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या था, सेलुलोज एंड पेक्टीन, सेलुलोज और पेक्टीन इनर वॉल का कंपोजिशन था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, जनरेटिव सेल इन द पोलन हैज 2 न्यूक्लियाई विद डिफरेंट फंक्शन, जस्टिफाई। यस, जनरेटिव सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 मेल गैमिट होते हैं, और दोनों मेल गैमिट का फंक्शन अलग अलग होता है। वो हम 10th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मेल गैमिट फ्यूज विद द एक्सल दैट कॉल्ड सिंगेमी, एंड 2nd मेल गैमिट फ्यूज विद द पोलार बॉडी टू फॉर्म
what? PAN, primary endosperm nucleus. That process is called triple fusion. So ये आपको इस question के अंदर discuss करना है. अब कुछ neat level के question, MCQ, multiple choice question को discuss कर लिया जाता है. तो दोस्तों ये मैं जैसा मैंने बताया है कि 12th वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चे दोनों के लिए कंबाइनली बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा. तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपका ये नोटिफिकेशन आपके साथ में बना रहे, नोटिफिकेशन आता रहे और आप आगे वाले लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकें. चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. एमसीक्यू फर्स्ट. ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एंथर स्पोरोजेनस टिश्यू एंड एंथर वॉल बोथ आर डेवलप. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलन मदर सेल्स बनती है, ये हमें क्लियर था. और स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होता है. लेकिन ये कह रहा है कि स्पोरोजेनस टिश्यू खुद का, उसके चारों तरफ पाए जाने वाला एंथर वॉल का, दोनों का डेवलपमेंट किससे होता है? द एंसर इज आर्ची स्पोरियल सेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार नीट में मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि इसका आर्ची स्पोरियल सेल फर्स्टली डेवलप इनटू द वॉल सेल, आउटरमोस्ट सेल एंड द हाइपोडर्मल सेल दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू. फिर जो वॉल सेल होगा उसके अंदर फिर से डिवीजन होंगे, पहले दो डिवीजन, पहले मतलब फर्स्ट माइटोसिस होगा, फिर सेकेंड माइटोसिस होगा जिसे चार लेयर बनती है. उन चार लेयर का नाम हम डिस्कस कर चुके हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपिटम. तो इस तरीके से अंदर वाला जो हाइपोडर्मल लेयर होगा वो स्पोरोजेनस टिश्यू बनाएगा. तो आर्ची स्पोरियल सेल से दोनों बनते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद कैपिटम. इट इज इनरमोस्ट लेयर, बिल्कुल सही है. कैपिटम अंदर वाली लेयर होती है. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट, ये भी राइट है क्योंकि मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन को कहते हैं और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इट इज सेल ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ प्रॉब्लम है. और फोर्थ, इट सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन, पोलन कीट एंड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन. ये बिल्कुल सही है कि जो कैपिटम का एक फंक्शन है न्यूट्रिशन के साथ साथ में, ये स्पोरोपोलिनिन भी जो बनता है वो भी इसी के यूविस बॉडी से बनता है, पोलन कीट जो है वो भी इसी से बनता है. लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा. क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनिट लेड. इसीलिए आंसर जो है इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर राइट हो गया कि इसमें यूनिट लेड रॉन्ग है. द सक्सेसिव टाइप ऑफ, अब मैंने डिस्कस किया था अगर आपको पता हो कि सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन किसके अंदर होता है. यस, इट इज इन मोनोकॉट. किसमें होता है और उससे कौन सा टेट्राड बनता है? आइसोबाइलेट्रल. तो ये आपका डी आंसर राइट हो गया, आइसोबाइलेट्रल मोनोकॉट. आइसोबाइलेट्रल द सक्सेसिव डिवीजन साइटोकाइन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबाइलेट्रल माइक्रोस्कोप टेट्राड विच कॉमनली अकर इन मोनोकॉट. आंसर इसका राइट हो गया थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर, पॉलीसाइपोलस, यानी कि जब एक पोलन ट्यूब बनती है, जब पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे जाता है तो पोलन ट्यूब बनाता है, लेकिन एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बने ऐसा किस फैमिली में होता है? तो आपको याद रखना है ये कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली में होता है. तो इसके राइट आंसर, यहाँ पे कुकुरबिटेसी नहीं दे रखा है तो इसका आंसर क्या हो गया? मालवेसी हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेज्ड. पोलन ट्यूब, नवा सचिन, आपको पता है कि पोलन ट्यूब के बारे में नवा सचिन ने बताया था कि जर्मिनेशन किस तरीके से होता है. एक्स बॉडीज एंटीपोडाल, एंटीपोडाल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी कुछ समय बाद में डिस इंटीग्रेट हो जाता है तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता था, एक्स बॉडी होता है. तो ये भी राइट आंसर है. न्यूसिलस मेगा स्पोरिंजियम, ये भी सही है जो हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूसिलस जो होता है वो मेगा स्पोरिंजियम के अंदर होता है. और एंटीपोडाल सेल टू जीनोम, नो एंटीपोडाल सेल टू जीनोम नहीं होता है. एंटीपोडाल सेल तीन सेल होती है और उसके अंदर थ्री जीनोम होते हैं, इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट है. विच फॉलोइंग इज करेक्टली मीन्स, देखो यहाँ पे सॉरी, ये करेक्टली मेज के बारे में बात कर, बिल्कुल एकदम करेक्टली मेज को उस तरीके से. तो करेक्टली मेज के अंदर जो आएगा वो मेन, इसके अंदर आंसर आपका सी आएगा कि न्यूसिलस जो होता है वो मेगा स्पोरिंजियम के अंदर रहेगा. उसका कारण बता देता हूं मैं, क्योंकि पोलन ट्यूब नवासी ने जरूर पोलन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था तो मेन, लेकिन मेनली इसका क्या था? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में था. तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? सी रहेगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉलम को मैच करना है. अमीबॉइड टैपिटम से है तो अमीबॉइड टैपिटम को क्या कहते हैं? ए पे क्या आएगा? ए पे प्लाज्मोडियम आएगा. बाइस्पोरिंजिएट, अभी अभी बताया था, बाइस्पोरिंजिएट मालवेसी फैमिली में मिलता है तो बी पे क्या आएगा? थर्ड आएगा. तो ए पे फोर्थ और बी पे थर्ड, ये आपको थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में मिल रहा है. तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया. मोनोकॉल्पेट, जब एक ही जर्म पोर पाया जाता है वो मोनोकॉट में मिलता है और जनरेटिव सेल जो है उसके अंदर सिंगल जीनोम, यानी शुरुआत के अंदर जनरेटिव सेल के अंदर एक ही जीनोम रहता है. तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
incorrectly means typha, compound pollen grain, बिल्कुल सही है, cuscuta के अंदर polyspory होता है, asclepiodaceae के अंदर pollinia होता है, लेकिन इसका D answer जो है incorrectly means है, तो इसका right बिल्कुल correct answer क्या हो गया, D हो गया, क्योंकि end axile sculptured नहीं होती है। साथियों पोलन ग्रेन की एग्जाइन फिर से अगर डिटेल में पढ़े हम, तो एग्जाइन दो तरह की होती है, एक्ट एग्जाइन और एंड एग्जाइन। एक्ट एंजाइन को आप स्कल्पचर कर सकते हो, जैसे एक मूर्ति बनाने वाला धीरे धीरे उसमें छेद करके एक नया शेप दे सकता है, तो आप एक्ट एग्जाइन के अंदर भी एक शेप, एक नया स्कल्पचर, एक नया ओरिएंटेशन दे सकते हो, लेकिन एंड एग्जाइन में नहीं दे सकते। तो इसका आंसर राइट हो गया डी। टाइफा के अंदर पोलन ग्रेन जो चारों माइक्रोस्पोर है वो जुड़े हुए रहते हैं, वो कभी अलग होते ही नहीं है, तो इसीलिए इसको कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। कस्कुटा के अंदर जो है पॉलीस्पोरी होता है, पॉलीस्पोरी का मतलब है मोर देन वन पोलन ग्रेन कैन एंटर इन द स्टिग्मा, तो उसको पॉलीस्पोरी कहते हैं। और देन एस्क्लेपिडेसी के अंदर क्या रहता है कि एक माइक्रोस्पोरिंजिया के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर हैं वो सारे कंबाइन हो जाते हैं और एक पोलिनिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तीनों राइट है, लेकिन डी आंसर इसका इनकरेक्टली मेज, राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल, गुड डे और हैप्पी डे टू ऑल, और बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर इसी तरीके से, हर दिन में नए लेक्चर के साथ में प्रेजेंट रहूंगा, तो जरूर इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।